I will talk about acoustics of halls. So, what do you mean by acoustics of hall? This is separate different article and it deals with reducing and controlling the factors which are related to the design and construction of cinema halls, auditorium, concert hall, theaters, etc. So that the speech, music, and singing can be distinctly audible, faithfully reproduced without any distortion, and are pleasant to listen to, and it is all called as acoustics of halls. सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या है कि जो हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं, इन सब की डिज़ाइनिंग, ठीक है, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे किए जाए ताकि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि म्यूज़िक की सिंगिंग है, स्पीच है, ये हमें अलग अलग आराम से डिस्टिंक्टली ऑडिबल हो, हमें पता चले कि हाँ ये इसका म्यूज़िक है ना। अब जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो उसमें कुछ म्यूजिक भी बज रहा होता है और डायलॉग्स भी आ रहे होते हैं, आपको दोनों चीज़ें अलग अलग साफ साफ सुनाई देती हैं कि नहीं। वो इस तरह ही है कि वे थिएटर्स हैं या कुछ भी आपके स्कूल ऑडिटोरियम्स हैं, कॉलेज के हैं, तो उन सब में भी बहुत ही एक अलग अलग तरीके के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन किया जाता है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो स्पीच, म्यूजिक और सिंगिंग ये सब चीज़ें हैं वो आराम से डिस्टिंक्टली ऑडिबल हों, दे कुड बी फेथफुली रिप्रोड्यूस विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। कोई डिस्टॉर्शन ना होना मतलब कुछ उसमें कुछ खराबी ना होना, और सुनने में भी हमें अच्छी लगे एंड दे आर प्लेजेंट टू लिसन। तो ये जो सारा काम होता है इसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स ऑफ हॉल। इसकी एक अलग स्टडी होती है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये एकॉस्टिक ऑफ हॉल के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर टू बी केप्ट इन माइंड, दीज आर: नंबर वन इज द लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। जिस यू विल बी वेरी फेमिलियर विद कि आप कोई हॉल में हो और अब कहीं पे भी बैठो, एक जैसी आवाज़ आनी चाहिए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लाउडनेस जो है साउंड की, चाहे सोर्स कहीं भी पड़ा है, ठीक है, उसकी जो लाउडनेस है शुड बी सेम एट ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है, चाहे बंदा फर्स्ट सीट पे बैठा है, चाहे बंदा कोई लास्ट सीट पे बैठा है, तो उसको एक जैसी आवाज़ आनी चाहिए ना। तभी तो वो हॉल की और वो जो कंस्ट्रक्शन है तभी उसका कोई बेनिफिट होगा, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। दे आर प्लेस्ड बिहाइंड द सोर्स ऑफ साउंड। अब देखो, कोशिश तो बहुत की जाती है कि हाँ लाउडनेस जो है एक जगह सब जगह पे सेम हो, बट क्या होता है कि आप सोर्स के पास हो, सोर्स सोर्स क्या करेगा कि सारी डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसके पीछे भी चली जाती है साउंड, कुछ वो साउंड तो किसी काम की नहीं है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाउडनेस के लेवल को इम्प्रूव करें, और उसके लिए अगर कोई साउंड पीछे भी जा रही है जो अनवांटेड होगी ना, फिर वो किसी काम की नहीं है और ऑडियंस तो आगे बैठी है, कुछ पीछे भी जा रही है अगर, तो हम उसके सोर्स के पीछे एक रिफ्लेक्टर्स अगर लगा दें तो रिफ्लेक्टर्स क्या करेंगे, जो साउंड आ रही है वो रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी, तो जैसे ही पड़ेगी वो वापस स्ट्राइक होके जाएगी सोर्स के डायरेक्शन में। सो इससे क्या होगा कि जो लाउडनेस का लेवल है वो इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है, रिफ्लेक्टर्स को लगा के। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ साउंड शुड बी फिक्स्ड, कि जो साउंड का जो सोर्स है वो फिक्स होना चाहिए एक जगह पे, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, साउंड शुड बी क्लियरली हर्ड एंड एवरी सिलेबी शुड बी क्लियरली ऑडिबल एट एवरी पॉइंट। मतलब कि साउंड क्लियरली हर्ड होनी चाहिए और उसका एक एक अक्षर जो है हमें क्लियरली ऑडिबल हो हर एक पॉइंट पे, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए हॉल्स की, सिनेमा की, थिएटर्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, इन सब चीज़ों की कंस्ट्रक्शन में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स
शुड बी प्रेजेंट इन द हॉल एंड इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट। सो ये देखो कि कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को, ठीक है। कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं आपके उसमें, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट कैपेसिटीज होती है रिफ्लेक्शन की भी, एब्जॉर्प्शन की भी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ज़्यादा वुडन वर्क कराया जाता है, ठीक है। तो वुडन वर्क क्यों होता है कि वुडन वर्क कराने से जो उसके एब्जॉर्प्शन है वो साउंड की, क्योंकि वुड एक वुड की एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि जो उसको हम यूज़ करते हैं हॉल में ताकि हम एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट को बढ़ा सके, जहाँ हमें बढ़ाना होगा वहाँ हम एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट जिसका ज़्यादा है हम उसको यूज़ करेंगे, जहाँ हमें रिफ्लेक्शन कोफिशेंट बढ़ाना है वहाँ हमने क्या किया उसको हम कोई और ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे ताकि उसका रिफ्लेक्शन कोफिशेंट बढ़ जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि टाइम ऑफ वेबर रेवरबरेशन शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ विंडोज डोर्स एक्सेट्रा। सो ये टाइम ऑफ रेवरबरेशन जो है ये भी मैं बताऊंगी होता क्या है, बट इसको इन्होंने लिखा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ विंडोज डोर्स एक्सेट्रा, बिकॉज रेवरबरेशन इज जस्ट लाइक इको, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इको होता है ना जैसे आवाज़ गूंजती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें टाइम ऑफ रेवरबरेशन का। सो इट शुड प्रॉपरली कंट्रोल, और कैसे हो सकती है, बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ विंडोज डोर्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स इज रेवरबरेशन टाइम। सबसे पहले देखो कि रेवरबरेशन होता क्या है। When a sharp sound is produced in a room, it spreads out and on meeting the walls, floor and ceiling of the room, it is partially reflected, absorbed and transmitted. देखो जब कोई sound room में किसी produce होती है तो वो spread out होती है, ठीक है। It spreads out equally, एक direction में हर जगह पे equally spread होती है। एंड ऑन मीटिंग द वॉल्स, अब रूम में क्या होंगी, दीवारें भी होंगी, छत भी होगी, ठीक है, और ज़मीन भी होगी, सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जब वो टकराती है साउंड, तो क्या होता है कि कुछ उसका पार्ट साउंड का रिफ्लेक्ट होता है। मैंने बताया कि आपके ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे पड़े होंगे जो कि वो रिफ्लेक्ट करते होंगे, तो कुछ साउंड जो होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लिखा कि पार्शली रिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पार्शली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आपने वुडन डोर लगाते हो, ठीक है, आप आपका बेड है वुडन का, आपके टेबल है, मे बी चेयर ऑल्सो, सो ये सब चीज़ों से एब्जॉर्प्शन होगी साउंड की, तो इट इज़ पार्शली एब्जॉर्ब। और ट्रांसमिटेड, कुछ चीज़ें ऐसे जहाँ से साउंड जो है उसमें से पास हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक करती है, एब्जॉर्ब मतलब उसमें अंदर घुस जाती है, उसके साउंड उस मटीरियल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ट्रांसमिट मतलब कि साउंड उसमें से, उस ऑब्जेक्ट में से साउंड ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है इट ट्रेवल्स बैक, ठीक है, एंड इट मीट्स द अदर सर्फेसिस ऑफ द रूम। जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो वापस आएगी बाउंस बैक होकर, और वो बाकी रूम के जो सर्फेसिस हैं उनको फिर टकराएगी, और फिर जब साउंड फिर से टकराती है तो वो फिर से दोबारा ये तीन प्रोसेसेस से ओवरगो होएगी। इट अगेन गेट पार्शली रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब ये सिलसिला जो है चलता रहता है कि फिर से वापस रिफ्लेक्ट होगी, फिर वो टकराएगी, फिर ये चीज़ें होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, इट कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस एंड एज अ रिजल्ट जो साउंड है वो रूम में रहती है, इट परसिस्ट इन द रूम। कब तक रहेगी, जब तक टिल इट्स इंटेंसिटी फॉल्स बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। जब तक उसकी इंटेंसिटी हमारी, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के बारे में, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग मतलब इट इज़ दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड बिलो विच वी कैनॉट हियर एनीथिंग। सो जब तक साउंड की इंटेंसिटी ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से कम नहीं हो जाती, तब तक वो जो साउंड है वो रूम में अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, परसिस्ट करेगी, ओके।
ये जो परसिस्टेंस है, ठीक है, दिस परसिस्टेंस ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड का इतनी देर तक टकराना और वापस आना, फिर से रहना, ठीक है, जबकि सोर्स ने, जिसने साउंड जिसने प्रोड्यूस की थी उसको प्रोड्यूस करे तो हो गया टाइम, बट वो फिर भी गूंजती रहती है आवाज़, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, द परसिस्टेंस ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड, प्रोलोंगेशन मीन्स, प्रोलोंगेशन मतलब कुछ बात को खींच खींच कर बताना, प्रोलोंग, ठीक है। वैसे ही साउंड क्या करती है, लटकती रहती है, लिंगर ऑन करती रहती है, घूमती रहती है इधर उधर रूम में। तो दिस परसिस्टेंस ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज सीज्ड टू प्रोड्यूस एनी साउंड, सोर्स ने स्टॉप कर दिया, सीज का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। सोर्स ने अपनी तरफ से जो साउंड प्रोड्यूस की थी वो बंद कर चुका है कब का, बट वो जो साउंड परसिस्ट कर रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेवरबरेशन, ठीक है, रेवरबरेशन। और एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द साउंड कैन बी हर्ड आफ्टर द साउंड हैज सीज टू प्रोड्यूस साउंड, दिस इज कॉल्ड एज रेवरबरेशन टाइम। और वो जितने टाइम तक हमें वो रूम के अंदर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, आफ्टर द साउंड हैज सीज्ड टू प्रोड्यूस, आफ्टर द, सॉरी यहाँ पे सोर्स आएगा, आफ्टर द सोर्स हैज सीज्ड टू प्रोड्यूस साउंड, दिस इज नोन एज रिवर्बरेशन टाइम। आई होप सी कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अगर अब इसमें केसेस देखते हैं। पहला केस ये है कि अगर रेवरबरेशन टाइम जो है बहुत ही लॉन्ग होगा, ठीक है, लॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत देर तक आवाज़ गूंज रही है ना, इको होती है ना, इको, ये इको इको ही है, ठीक है। जैसे हम पहाड़ी जगह पे जाते हैं, वहाँ में हम देखते हैं ना कि आवाज़ गूंजती है हमारी, तो वहाँ पे क्यों गूंजती है, वहाँ पे आप देखोगे आसपास बहुत खुला होता है कुछ आप, और वही अगर कोई क्राउडेड जगह में जाओगे तो वहाँ आपकी आवाज़ नहीं गूंजेगी, ठीक है। तो अगर रेवरबरेशन टाइम बहुत लॉन्ग है, मतलब बहुत देर तक अगर आवाज़ गूंज रही है, तो उसमें क्या होता है कि द साउंड ऑफ टू डिफरेंट सेलेबीज अटर्ड इफेक्ट ईच अदर एंड रीच द ईयर बिफोर द प्रोलोंगेशन इफेक्ट हैज सीज्ड एंड इट रिजल्ट्स टू अ कन्फ्यूजन इन हियरिंग। मतलब कि इतना लॉन्ग अगर टाइम होगा, तो अगर मान लो मेरी आवाज़ गूंज रही है अभी, तो अगर मैं कोई वर्डिंग बहुत ही बोलूँगी, अगर मैं एक के बाद एक कुछ बोला, तो वो जो उसका इको टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि पहले ही वर्ड जो उसने गूंजना शुरू होगा, फिर उतनी देर में दूसरा वर्ड भी किसी ने बोल दिया तो वो वर्ड भी गूंजना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि वो जो सारे वर्ड्स जो थे, वो सारे जो भी इफेक्ट हुआ उनका, वो एक सुनने में किसी को समझ नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है कोई, ठीक है, तो वे कन्फ्यूजन से हो जाती है। अगर रेवरबरेशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो वर्ड्स जो निकलेंगे और जो हमारे कान तक पहुँचेंगे बिफोर द प्रोलोंगेशन इफेक्ट है सीज, मतलब कि जब तक वो इफेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो बहुत ही लिंगर ऑन करता है, और वो एक के बाद एक वर्ड, अगर दो तीन वर्ड्स इकट्ठे हो गए तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या बोला था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ रेवरबरेशन टाइम इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही स्मॉल है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी एकदम से और ख़त्म, और फिर बट वो सुनने में हमें क्या लगेगा, वो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी आवाज़, ठीक है, इट डजेंट मेक अ प्लेजेंट हियरिंग। ओके, अ रूम विद जीरो रेवरबरेशन टाइम इज कॉल्ड द डेड रूम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि डेड रूम क्या है, एक ऐसा रूम जिसका रेवरबरेशन टाइम ज़ीरो हो। देयरफॉर रेवरबरेशन टाइम फॉर अ हॉल इज एडजस्टेड सो दैट द साउंड हर्ड इज बोथ डिस्टेंट एंड प्लेजेंट। सो रेवरबरेशन टाइम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो हॉल्स जैसी जगह पे जो ये ऑडिटोरियम्स वगैरह होते हैं, इनमें हम ये रेवरबरेशन टाइम को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमें आवाज़ सुनाई दे वो क्लियर हो, ठीक है, वर्ड्स म्यूजिक अलग अलग सुनाई दे अलग अलग, ठीक है, और सुनने में अच्छा भी लगे, समझ आए कि क्या कोई बोल रहा है, ये नहीं कि मतलब सुनने में अच्छा ना लगे या कन्फ्यूजन हो जाए,
तो वो सब चीज़ें कैसे दूर की जाती हैं रेवरबरेशन टाइम को एडजस्ट करके. एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट इफ रेवरबरेशन टाइम इज़ ग्रेटर देन 0.8 सेकेंड, द सक्सेसिव सेलेबीज अटर्ड कैन नॉट बी डिस्टिंक्टली हर्ड. ठीक है, ये देखा गया है कि अगर रेवरबरेशन टाइम 0.8 सेकेंड से ज़्यादा होगा ना, तो ये वाली कंडीशन होगी जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई है. ठीक है, कि कन्फ्यूजन इन हेयरिंग हो जाता है, इट कैन नॉट बी डिस्टिंक्टली हर्ड. और इसीलिए कहा जाता है कि फॉर स्पीच ऑप्टिमम रेवोल्यूशन टाइम इज 0.5 सेकेंड. ठीक है, बोलने के लिए जो टाइम रखा गया है 0.5 सेकेंड का है ये, और म्यूजिक के लिए इट मे बी बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स. ओके, दिस हैज़ बीन फाउंड आउट. ओके, ये आपको इतना बस ये आपके नॉलेज के लिए है. ओके, कि आप इतना अगर उस रेंज में बोलोगे 0.5 होगा अगर आपका टाइम, तो वो अच्छा लगेगा. अगर अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, सुनने में कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, और म्यूज़िक के लिए टाइम जो है, कि अगर कोई सॉन्ग कोई बज रहा है कुछ है, तो उसमें 1 to 2 सेकेंड्स का है रेवोल्यूशन टाइम. ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज सबाइन फार्मूला. दिस सबाइन फार्मूला इज बेस्ड ऑन दी रेवरब्रेशन ओनली. ठीक है, और ये रेवरब्रेशन टाइम को डिपेक्ट करता है, और ये रेवरब्रेशन टाइम को हम कहते हैं ना कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट कैसे की जाती है वो हमें इससे पता चलेगा, इस फॉर्मूले को पढ़कर. ओके, सो दिस फॉर्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई प्रोफेसर वैलेस सी सबाइन, सो दैट्स वाई इट्स इट हैज़ अ नेम सबाइन फॉर्मूला. एंड दिस प्रोफेसर ही शोड दैट द रेवरबरेशन टाइम फॉर अ रूम ऑफ वॉल्यूम वी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. नाउ आप इस फॉर्मूले में बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, तो ये दिस इज रिटन एज टी रेवरबरेशन, मीन्स रेवरबरेशन टाइम. ओके, और ये कोई वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा. 0.166 वी हेयर मीन्स वॉल्यूम. वॉल्यूम किस चीज का, जो आप रूम की बात कर रहे हो उस रूम का वॉल्यूम. और यहाँ नीचे वाला फैक्टर है समेशन अल्फा आई एस आई. अल्फा क्या है, अल्फा इज द एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट, और एस क्या है यहाँ पे, जो एक रूम में डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस हैं, तो हर एक सर्फेस का एरिया होगा. ठीक है, अलग अलग सर्फेसिस के लिए हमने अलग अलग होगा, और हर एक सर्फेस का अपना एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स मैं आपको बता दूँ, जैसे एक रूम में आप मान लो कि रूम में आपके सीलिंग्स हैं, ठीक है, छत है, छत पे भी आपके कोई वुडन काम हुआ हुआ है, या कोई और कोई मटेरियल लगा हुआ है, तो उस मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा लेट इट बी α1, और उसी सरफेस का जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं मटेरियल की, उस सरफेस का जो एरिया है लेट इट बी S1. ये सीलिंग के लिए हो गया. ऐसे ही वॉल्स के लिए कुछ जो मटेरियल है उसका α2 है, उसका जो मटेरियल का एरिया है उसका हम सरफेस एरिया मान लेते हैं S2. इस तरीके से जो भी एक रूम में जो जो आपके पास डिफरेंट सर्फेसेस हैं, ठीक है, उन सब का आपने α1 और S1 सबका निकाला, और फिर उस सबको ऐड कर दिया. दैट्स वाई इट्स रिटन एज समेशन αiSi. हेयर द समेशन स्टैंड फॉर α1S1 प्लस α2S2 प्लस α3S3 एंड सो ऑन. दीज आर द एरियाज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेसिस ऑफ द रूम, सच एज मटीरियल ऑफ सीलिंग मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्लोर एंड दैट ऑफ वॉल्स ड्यू टू वुड वर्क, कर्टन्स एक्सेट्रा. ठीक है, एंड α1, α2, α3 आर द रिस्पेक्टिव एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट. सो दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न बाई हार्ट, एंड इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है. सो ये बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को समझ लो और याद कर लो. ठीक है, नाउ दिस इज फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेवरब्रेशन टाइम. सो ये रेवरब्रेशन टाइम जिसके हम बात कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों से ये रेवरब्रेशन टाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये. तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि रेवरब्रेशन टाइम के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना. जैसे इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे
लिख लेते हैं फिर से, विच इज टी रेवरबरेशन इज इक्वल टू 0.166 वी अपॉन समेशन अल्फा आई एस आई, ये हमारा रेवरबरेशन टाइम का फॉर्मूला। सो इसको अगर हमें रेवरबरेशन टाइम को अगर हमें चेंज करना हो तो हम क्या किस चीज़ों से चेंज कर सकते हैं, नंबर वन इज वॉल्यूम, ये आपको दिख रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ हॉल, अगर इसको इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो टाइम भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। पहला फैक्टर तो हो गया वॉल्यूम। सेकेंड फैक्टर क्या है, एरिया। ये जो आपने यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की थी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की, सो अगर आप सरफेस एरिया, अगर आप मटेरियल कुछ ऐसा उसका एरिया अलग होगा तो उससे आप एरिया को चेंज करके आप ये रेवरबेशन टाइम को चेंज कर सकते हो। सो बाय एडजस्टिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग मटीरियल, ये आप मटीरियल को आप चेंज करोगे तो ऑब्वियसली उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट भी चेंज होगा। सो एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट और एरिया यहाँ पे आप इसको भी चेंज करके कर सकते हो। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर रेवरबरेशन टाइम बहुत लार्ज है तो उसको आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो, इट कैन बी डिक्रीज बाय प्रोवाइडिंग अ फ्यू ओपन विंडोज और डोर्स, ठीक है। बिकॉज जो विंडोज और डोर्स होते हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट होता है ये 1 होता है, दीज आर परफेक्ट एब्जॉर्बर, सो जो भी एक्स्ट्रा जो आ रही है वो जो साउंड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप अगर ओपन विंडोज या डोर्स रखोगे तो आपका जो रेवरबरेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज 1 फैक्टर, ठीक है। डोर्स या फिर ओपन विंडोज अगर आप रखो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट मे बी नोटेड दैट रेवरबरेशन टाइम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द हॉल, दैट इज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द हॉल। सो अगर रेवरबरेशन टाइम जो है नंबर ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड करती है कि एक हॉल में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, 100 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, तो उनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि अगर ज़्यादा लोग बैठे होंगे तो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर ज़्यादा ह्यूमन बींग्स होंगे सो साउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, रेवरबरेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कम लोग होंगे तो रेवरबरेशन टाइम भी बढ़ेगा। सो सिटिंग कैपेसिटी ऑफ हॉल से भी हम रेवरबरेशन टाइम जो है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग द रेवरबरेशन टाइम। सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस, दीज सम कंसेप्चुअल्स आर देयर। फर्स्ट इज रेवरबरेशन टाइम इज लार्जर फॉर एन एम्प्टी हॉल देन अ क्राउडेड हॉल, वाई, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड नाउ। दिस इन दिस केस ऑफ एम्प्टी हॉल साउंड लिंगर्स ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम, मीन्स रेवरबरेशन टाइम इज हायर इन केस ऑफ एम्प्टी हॉल। वाई इट इज हायर, बिकॉज द साउंड डज नॉट गेट एब्जॉर्ब नहीं हो रही तभी तो लिंगर ऑन करेगी ना, और ह्यूमन बींग्स दे ऑल्सो एब्जॉर्ब साउंड, देयरफॉर इन अ क्राउडेड हॉल द साउंड गेट्स एब्जॉर्ब सून एंड हेंस रेवरबरेशन टाइम इज लार्जर फॉर एम्प्टी हॉल देन दैट और फॉर अ क्राउडेड हॉल। सो ह्यूमन बींग्स जिस क्राउडेड हॉल होगा अगर कोई, तो उसमें क्या होगा, साउंड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी और रेवरबरेशन टाइम जो होगा वो कम होगा। सो दैट्स वाई रेवरबरेशन टाइम इज लार्जर फॉर अ एम्प्टी हॉल देन अ क्राउडेड हॉल। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड इज लॉन्ग कर्टन्स आर प्रेफर्ड इन अ बिग हॉल, वाई, वाई लॉन्ग कर्टन्स आर प्रेफर्ड, ये भी इसी से लिंक्ड है, क्योंकि अगर कर्टन ज़्यादा होंगे सो इसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट होता है इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जो थिक और लंबे लंबे कर्टन्स लगाए जाते हैं हॉल्स में जनरली, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि इनका एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट ज़्यादा होता है, तो जो साउंड है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और इस वजह से क्या होगा कि जो रेवरबरेशन टाइम है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सो बिग हॉल मे बी विच इज़ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रेवरबरेशन टाइम, ठीक है, जिसका हो सकता है कि ज़्यादा हो, ड्यू टू विच डिफरेंट सिलेबल्स आर नॉट हर्ड डिस्टेंटली, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि डिफरेंट जो वर्ड्स हैं हमें नहीं सुनाई देंगे ढंग से। सो बाय मेकिंग यूज़ ऑफ थिक एंड लॉन्ग कर्टन्स विच आर हैविंग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मोर द रेवरबरेशन टाइम इज सुटेबली डिक्रीज्ड। ओके, नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डज एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूस
मोर साउंड देन अ फिल्ड वन, बिकॉज वी नो दैट एक एम्प्टी साउंड में, अगर एम्प्टी कोई वेसल है उसमें अगर आप किसी चीज़ से अगर उस पर बजाओगे उसको, तो उस पर जो साउंड प्रोड्यूस होगी दिस इट विल सेट वाइब्रेशंस ऑफ ऑफ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, ठीक है, और उसकी वजह से जो साउंड है वो भी लार्ज प्रोड्यूस होगी, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। वेयर एज फील्ड अगर कोई वेसल होगा तो उसमें आवाज़ जो है वो इतनी लाउड नहीं आती। सो इट जो एम्प्टी वेसल है इट प्रोड्यूसेस मोर साउंड। ओके, वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो व्हेन द एम्प्टी वेसल इज स्ट्रक द एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशंस ऑफ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड एंड ड्यू टू दिस अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज वी नो दैट इंटेंसिटी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ओके, एंड दिस एम्पलीट्यूड इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज लाउडनेस increases, so that's why empty vessel produce more sound. So if you are having any doubts, you can put in comment section. So that's all for today. Thank you and have a nice day.